हेलो दोस्तों, रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरेन, कुवैत, यमन, गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड कहीं की भी एम्प्लॉयमेंट अपडेट पाने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सऊदी अरब में 10 साल तक काम करने वालों को अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा। मीन्स की जो सऊदी के नहीं है और बाहर के लोग हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे रिन्यू नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है फ्लाइट स्टार्ट करने का, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 25 कंट्रीज के लिए इशू कर दिया है गाइडलाइन। उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, 25 कंट्रीज कौन कौन सी है, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए 2 साल तक फ्लाइट नहीं चालू होगी, वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस बात के लिए समझ में नहीं आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के जो मैसेजेस होते हैं वो आप लोग शेयर करने लगते हैं दूसरे को और वहीं से आपको ये अपडेट मिलने लगती है। आप किसी भी तरीके के व्हाट्सएप से उठाई हुई खबर या फेसबुक से उठाई हुई खबर को यकीन न करें, इसलिए कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, गजट है, सऊदी में ट्वीट है, सऊदी एम्बेसी की रिपोर्ट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मैं चैनल पे लिंक दे देता हूं, वहां पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या अपडेट्स कहां कहां की है जो मैंने बताई है। अगर वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ओके है, अदरवाइज व्हाट्सएप से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो शायद आप ही धोखे में रहेंगे और दूसरों को भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सऊदी अरब ने 25 कंट्रीज के लिए फ्लाइट ओपन कर दी है, ये गुड न्यूज है और हरी झंडी मिल गई। 15 तारीख के बाद से कुछ और भी न्यूज आप तक पहुंच जाएगी उन वर्कर्स के लिए जो बहुत ही ज्यादा परेशान है सऊदी अरब जाने के लिए जॉब के लिए। तो ज्यादा परेशान होने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इस तरह की न्यूज वगैरह शेयर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में जाने के पहले जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें जो डीएक्सबी ऐप था दुबई में, यूएई में जाने के पहले डीएक्सबी ऐप आपको डाउनलोड करना होता था अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में, उसी तरीके का सेम एप्लीकेशन जो है सऊदी अरब ने भी लॉन्च किया है और वो आपको जाने के पहले अपने मोबाइल में हर तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन के नाम है ततमान एंड तवक्कलना एप्लीकेशन, मैं आपको स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे जाके प्ले स्टोर में डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद वहां पे जाने के बाद में आपको क्वारंटाइन भी होना है, उसके साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो भी फॉर्म फिल करना है। 25 कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 15 तारीख के बाद कुछ और भी अपडेट आ सकती है 15 सितंबर 2020 के बाद में। 25 कंट्रीज में यूनाइटेड अरब एमिरात, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरेन, इजिप्ट, लेबनान, मोरक्को, टनिशिया, चाइना, यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, टर्की, ग्रीस, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, इथियोपिया, केन्या, नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज के लिए फिलहाल जो है सऊदी अरब ने परमिशन दे दी है और इसके बाद भी और कंट्रीज के लिए परमिशन मिलने वाली है बहुत ही जल्दी इसमें। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उस पर पाकिस्तान और इंडिया भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया की फ्लाइट अभी 30 सितंबर तक, जैसे कि आपको पता है कि फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है बैन, तो जैसे ही खुलेगा यहां से भी लोगों को जाने का मौका मिलेगा। लेकिन रियाद के साथ में इंडिया का एयर बबल अग्रीमेंट जो है वो पहले से हो चुका है, क्योंकि एयर बबल अग्रीमेंट के थ्रू भी बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग लोग जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरब में काम करने वाले जो लोग हैं उनको 10 साल तक अगर पूरे हो चुके हैं उनके, तो 10 साल के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। ये किसके लिए है ये भी जानना जरूरी है, ये केवल उन हेल्थ वर्कर्स के लिए है जो पब्लिक सेक्टर में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जो वहां पे जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट रन करती है, उन सेक्टर्स में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को अब 10 साल के बाद रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कंपनी वाले। और ये जो अपडेट दी है वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने कई सारे अलग अलग रीजन्स के डायरेक्टर्स हैं उनको भी गाइडलाइन शेयर कर दी है और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है कि आने वाले वक्त में जो 10 साल अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग अच्छे परफॉर्मर होंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे,
उन लोगों के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी, उन लोगों के लिए एक्सेप्शन रखे जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उनके हाथ में पावर होगी और उस पावर के थ्रू उन लोगों को रिटेन किया जाएगा, मीन्स कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ये हेल्थ मिनिस्ट्री अथॉरिटी की तरफ से ये परमिशन आई है, ये अपडेट आई है। तो ये केवल केवल उन लोगों के लिए जो सऊदी में, सऊदी के नहीं है, मीन्स कि अगर बाहर से सऊदी में काम करने जा रहे हैं और वो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको सैलरी मिल रही है, तो केवल ये उन लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फिलहाल सऊदी के लिए ये अपडेट है। तो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो बाहर से आपको मिल रही है उस पर यकीन ना करें, किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन से सामने वाले को भी आप गलत इन्फॉर्मेशन ही पहुंचा पाएंगे। हमारे चैनल पे जितने भी सारी अपडेट्स हैं सभी सोर्सेस से कलेक्ट करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओमान ने भी जो फ्लाइट चालू कर दिए, बहरीन ने भी कुछ फ्लाइट चालू कर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या अपडेट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लाइक करना ना भूलें वीडियो को। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय।